बीजापुर जिले के धनोरा स्थित माता रुक्मणी आश्रम के करीब 27 बच्चे दूषित खाना खाने से बीमार हो गए हैं। इनमें से 9 बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि बीती रात इन बच्चों ने खाना खाया और इसके बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BR पुजारी ने बताया कि कुछ बच्चों को बुखार है, उनकी मलेरिया जाँच कराई गई है, वहीं बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। जी हाँ, माता रुक्मिणी आश्रम धनोरा के बच्चे हैं। कुछ रात में खाना खाने के बाद में सोने के बाद उनको उल्टी और कुछ बच्चों को दस्त की शिकायत हुई थी, तो अभी हमारी टीम भी वहाँ पे पहुँच गई थी। मैं स्वयं भी गया हुआ था और 27 बच्चों को अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। और कुछ बच्चों को बुखार भी है। सभी का RT मलेरिया टेस्ट करवाया गया है, उनका निगेटिव है और बाकी ट्रीटमेंट आ जाएगी। बताया जाता है कि बीती रात बच्चों ने खाने में खीर पूड़ी खाई थी और इसके बाद ही इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई।